जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर सोनों में सिमट कर, नोटों में लिपट कर सोनों में सिमट कर, मरे हैं कई मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। जय हिंद दोस्तों, आपको बता दें बीते दिनों राजस्थान झुंझुनू के छाबरी निवासी सीआरपीएफ जवान अनिल कुमार शहीद हो गए थे। आज उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। शहीद अनिल कुमार को पत्नी परमिला ने कंधा दिया, घर से विदा कर खुद हो गई बेसुध, आंसुओं का उमड़ पड़ा ज्वार। झुंझुनू के गुढ़ा गौड़जी के समीप छाबरी गांव निवासी सीआरपीएफ के जवान अनिल कुमार का श्रीनगर में ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। शनिवार को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उस वक्त हर आंख नम हो गई जबकि जवान अनिल कुमार की वीरंगना पत्नी ने अपने वीर पति को कंधा देकर अपने घर से विदा किया। विदा करने के साथ ही बेसुध हो गई। इससे पहले आज दोपहर को अनिल कुमार की पार्थिव देह उनकी पैतृक गांव छापसरी लाई गई, जहां पर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की गई। इस दौरान सीआरपीएफ की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अनिल कुमार को अंतिम विदाई देने के आसपास के गांवों के युवाओं ने भारत माता की जय, बंदे मातरम, बस जब तक सूरज चांद रहेगा अनिल कुमार तेरा नाम रहेगा जयकारों के साथ दी गई। अनिल कुमार के पार्थिव शरीर का राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़वा, उदयपुर वाटी के पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी, पूर्व विधायक बीरेंद्र सिंह, एसडीएम राम सिंह रजावत, थाना अधिकारी संजय कुमार वर्मा ने पुष्प चक्र अर्पित किए। सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट सुनील सिंह ने अनिल कुमार के बड़े भाई सुनील कुमार को तिरंगा सौंपा। सीआरपीएफ के जवान अनिल कुमार के सम्मान में युवाओं ने गुढ़ा गौड़जी पुलिस में उनके पैतृक छाबरी तक तिरंगा यात्रा निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने बाइक पर सवार होकर हाथों में तिरंगा लिए डीजे पर देशभक्ति गाने के साथ चल रहे थे। 2017 में अनिल कुमार सेना में भर्ती हुए थे। उनके एक ढाई साल की बेटी काव्या तथा 3 माह के बेटे सुनिधि हैं। वे 45 दिन पूर्व भी गांव आकर ड्यूटी पर गए थे। तो दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से शहीद अनिल कुमार को सत सत नमन करता हूं, और मैं नमन करता हूं उन माओं को जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।